गुरुवार का दिन बृहस्पति देव को समर्पित है। अगर इस दिन जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है उस दिन वह विशेष पूजा करी जाए तो गुरु दोष कम होगा। आइए पंडित जी से अंत विस्तार से। हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार उतार चढ़ाव आते हैं और ग्रहों का प्रभाव हम सबके जीवन पर पड़ता है। कुंडली में जिसके ग्रह मजबूत है उसके यहाँ सब सुख सुविधाएं संपन्नता ऐश्वर्य प्राप्ति होती है और जिसके ग्रह कमजोर हैं उसे हर प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में देव गुरु बृहस्पति एक बहुत प्रबल ग्रह है जो कि यदि प्रबल है मजबूत है तो हमारे यहाँ पर सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती है और यदि गुरु कमजोर है ऐसे में कई जगहों पर हमें बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में चाहिए कि देव गुरु बृहस्पति को हम प्रसन्न करें। हम यदि देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करेंगे तो देव गुरु बृहस्पति हमारे जीवन में सुख सुविधाएं संपन्नता ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएंगे। इसमें गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पति महाराज को प्रसन्न करने के लिए सर्वप्रथम हमारे स्नान के जल में नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी का प्रयोग करें। रोज ना कर पाए तो गुरुवार के दिन विशेष करें। ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। गुरुवार का व्रत धारण करें। गुरुवार को व्रत रखें उसमें पीले भोजन का सेवन करें, पीले पदार्थों का सेवन करें जिससे देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। पीले पदार्थों का सेवन करें, व्रत रखें गुरुवार का तो लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो भगवान देवगुरु बृहस्पति का ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पते नमः यह मंत्र का जाप करें और पीले पुष्पों का भगवान को अर्पण करने का प्रयास करें। पीले पुष्प चढ़ाएं, भगवान को केसर युक्त जल चढ़ाएं, केसर का दान करें, पीले वस्त्रों का दान करें, पीले वस्त्रों का धारण भी करें। ऐसा करने से हमारी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और बृहस्पति से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान होता है। जय श्री कृष्ण।